अगर ये डायग्राम बनाओ और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और एफ के बीच में डायगोनल हर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो उस केस में आंसर क्या आएगा? 5/6 आर। ठीक है, और अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ध्यान से देख लो, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ये देखो ए और बी में, ये देखो ए और बी में, यहाँ पे डायगोनल नहीं, ए और बी साइड पे, तो आपका आंसर आएगा 7/12 आर। ये तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में गिवन है, सीधा आंसर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने भी, 5/12 आंसर और 7/12 आर। तो पॉइंट क्लियर है। हाँ, किसी को तीनों मेथड सीखने हैं, चलो मैंने मेहनत की, बहुत देर लगाई, मैंने घंटे लगाए, पर मैंने नई टेक्निक भी सीखी और ये भी सीखा कि कल को अगर तुम मुझे क्यूब दो और अनइवन रेजिस्टेंस दे दो R1 R2 R3 में, वो भी क्रैक कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको आराम से बैठ कर छुट्टियों में उस वीडियो को सुन लेना, लेकिन नहीं भी सुनोगे कोई लॉस नहीं है, सुन लोगे तो भी कोई लॉस तो है ही नहीं। तो मतलब ये टेक्निक काम आती है, नहीं आती आपका काम वैसे भी चल जाएगा, नहीं भी सुनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये तो क्वेश्चंस को आंसर मार्क कर लो।